बड़ी खबर उत्तर भारत में पड़ रहे भयानक कोहरे से जुड़ी। बीते तीन दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भयानक कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर भीषण हादसे हुए। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कहीं 20 गाड़ियां टकरा गई तो कहीं कोहरे की वजह से हुए हादसे के बाद हाईवे पर कोहरा मच गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 30 दिसंबर तक भीषण कोहरे पड़ने का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि बीते तीन दिनों से पड़ रहे भयानक कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में मुर्गे से भरी एक गाड़ी भी शामिल थी। हादसे के बाद वहां मुर्गे की लूट मच गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नेशनल हाईवे पर हादसे के बाद खड़ी गाड़ी से लोग मुर्गा लूटते नजर आए। वीडियो में कुछ लोग गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसमें रखे मुर्गों को बोरियों में भरते दिखे, जिसके हाथ जितने मुर्गे लगे वो उन्हें लेकर चलता बना। कुछ लोगों को बोरी या थैली नहीं मिली तो वो हाथों में ही मुर्गे लटकाकर वहां से जाते दिखे। नेशनल हाईवे पर मुर्गे से भरी गाड़ी के हादसे का शिकार होने की खबर आसपास के गाँव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जानकारी होते ही लोग मोटरसाइकिल से वहां मुर्गा लूटने पहुंच गए। हादसे वाली जगह पर सड़क के दूसरी तरफ से भी लोग मुर्गा लूटने के लिए झपटते दिखे। मुफ्त का मुर्गा लूटने के दौरान दो लोगों में बहस भी होती दिखी। मुर्गे की लूट में जुटे लोगों को घने कोहरे के बीच हादसे की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जिस जगह हादसा हुआ था वहां काफी घना कोहरा था। सड़क पर मुर्गे की लूट के दौरान दूसरी गाड़ी उन्हें टक्कर मार सकती थी, लेकिन हादसे की परवाह किए बिना लोगों ने मुर्गा लूटने की मानो होड़ मच गई थी। हादसे का शिकार हुई गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि वो आगरा से करीब 1.5 लाख का मुर्गा लादकर लौट रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे पर आने के बाद एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और उसकी गाड़ी वहीं पलट गई। ड्राइवर के मुताबिक हादसा बेहद घने कोहरे की वजह से हुआ। गाड़ी पलटते ही वहां मौजूद लोग मदद करने की बजाय मुर्गा लूटने के लिए झपट पड़े। गाड़ी में फंसा ड्राइवर और क्लीनर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। बाद में एक क्रेन की मदद से उसे सीधा किया गया। टक्कर मार दी एक गाड़ी वाले ने, गाड़ी पलट गई मेरी। पलट आने के बाद जैसे तैसे हम लोग निकल पाए गाड़ी में से। गाड़ी के ड्राइवर के मुताबिक करीब 1.5 लाख की कीमत के मुर्गे उसकी गाड़ी में लदे थे, लेकिन गाँव वालों ने सब लूट लिए। हादसे वाली जगह पर एक दूसरा ट्रक भी सड़क किनारे खड़ा नजर आया, जिसके आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। बताया गया कि कोहरे की वजह से वहां 13 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई थी, जिनमें मुर्गे से लदी ये गाड़ी भी शामिल थी। यानी कोहरे ने आगरा में नेशनल हाईवे पर ऐसा कहर बरपाया कि वहां कोहरा मच गया। धुंध की वजह से यूपी रोडवेज की एक बस, सामान लदे कई ट्रक, मुर्गे से लदी गाड़ी और टेम्पो एक एक करके एक दूसरे से टकरा गए। क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। हादसे में शिकार एक गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे सबसे पहले दो ट्रकों की टक्कर हुई, जिसके बाद पीछे से आ रही करीब 11 गाड़ियां भी टकरा गई। 1:30 बजे की बात है, करीबन 13 गाड़ियां टकराई हैं। हादसे के बाद सामने आए वीडियो में गाड़ियों के परखचे उड़े दिखे। टक्कर की वजह से ट्रकों के सामने का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। 13 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। बड़ा हादसा कोहरे की वजह से आगरा में देखने को मिला, जिसमें 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो गंभीर घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे पर हादसे की सूचना मिलने पर अपनी टीम के साथ पुलिस के अफसर भी पहुंच गए और वहां से हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को हटवाया। लेकिन कोहरे का कहर सिर्फ आगरा नेशनल हाईवे पर ही नहीं देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। और उस हादसे का बेहद डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हुई दिखाई दी। बताया गया कि घना कोहरा होने की वजह से सबसे पहले 2 बसों की टक्कर हुई, इसके बाद उसके पीछे एक और बस आकर टकरा गई। कोई कुछ समझ पाता कि इसके बाद 2 कारें भी उन बसों में आकर भिड़ गईं। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे का शिकार हुए लोग चीखने और चिल्लाने लगे। बताया गया कि कोहरे की वजह से हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई।
जबकि 12 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत नजदीक के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि बांगरमऊ थाना इलाके के नसीरापुर गांव के पास एक्सप्रेसवे पर रात में हुए हादसे के वक्त जोरदार आवाज भी सुनाई दी थी। यानी कोहरे ने न सिर्फ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, बल्कि बड़े हादसों की वजह भी बन रहा है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे की वजह से 20 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और इस हादसे में सभी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हादसे के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई गाड़ियां इधर उधर खड़ी नजर आईं। हादसे का शिकार हुआ एक ट्रक सामने की तरफ से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मतलब ये गाड़ी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है गाड़ी जो ना। बताया गया कि कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली लेन पर दयानतपुर गांव के पास 20 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। यानी अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में गाड़ियां चलाते समय बेहद सावधानी बरतनी होगी। इधर कोहरे और धुंध की वजह से राजधानी दिल्ली की रफ्तार भी थम गई। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में पड़ रहे कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हुई और दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें भी लेट हो गई, क्योंकि पूरा दिल्ली NCR इलाका कोहरे की घनी चादर में लिपटा नजर आया। चारों तरफ कोहरे का कब्जा दिखाई दिया। घने कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई देना बेहद मुश्किल हो रहा था। बीते 3 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नोएडा और दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी ना के बराबर थी। गाड़ी से चलने वालों को इस दौरान काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। कोहरे की घनी चादर के बीच सामने से आ रहे वाहनों को देखना भी बेहद मुश्किल हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर लगभग 35 उड़ानों में देरी हुई। इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR क्षेत्र में 31 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड और घना कोहरा पड़ने का अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। रेलवे विभाग ने जानकारी दी कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई और इसकी वजह से ट्रेन की यात्रा करने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रेन में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंचे यात्रियों को कड़कड़ाती ठंड में कई घंटे का इंतजार करना पड़ा। धुंध की वजह से, फॉग की वजह से काफी मुश्किल हो रही है। सुबह 4 o'clock से हम यहाँ आके बैठे हैं। उत्तर रेलवे ने जानकारी दी कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिल्ली की तरफ आने वाली 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गईं, जबकि कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कोहरा इतना घना था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लगा बोर्ड तक साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। स्टेशन के बाहर सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मौसम विभाग के मुताबिक रात और सुबह के वक्त दिल्ली NCR में 1 जनवरी तक कुछ इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। उधर दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सरकारी अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवाएं दिए जाने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को घेरा और सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक आदमी बैरिकेड पर चढ़कर उससे कूदने की कोशिश करता दिखाई दिया और थोड़ी देर में ही एक के बाद एक कई और लोग बैरिकेड से कूदकर दूसरी तरफ आ गए और इसके बाद तो जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध ही टूट गया और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को धकेला और वहां बने रास्ते से दौड़ लगाते हुए पुलिस की तरफ आगे बढ़ गए। वहां से आई तस्वीरों में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर नारेबाजी करते हुए भागते दिखे।
क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली के अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवाएं मिलने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और इसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की और आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता एक बैरिकेड के ऊपर चढ़ते नजर आए। इस दौरान वहां खड़े पुलिस वाले और सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता उस बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कई कार्यकर्ता वहीं जमे रहे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और इसीलिए पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते दिखे। और इसीलिए पुलिस कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें वाटर कैनन के इस्तेमाल की वजह से एक कार्यकर्ता सड़क पर गिरा दिखाई दिया और जैसे ही वो वहां गिरा पुलिस उसे हिरासत में लेने के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन जब वो कार्यकर्ता खड़ा नहीं हुआ तो पुलिस उसे घसीट कर ही बस तक ले गई और फिर उसे बस में बैठा कर वहां से ले गई। इस दौरान उस बस में ठूस ठूस कर कार्यकर्ताओं को भरा गया। वहां से आई तस्वीरों में कुछ कार्यकर्ता उस बस की खिड़कियों से बाहर लटक कर नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान उस बस के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई और वो वहां खड़े होकर हंगामा करने लगे, लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस उन कार्यकर्ताओं को वहां से ले गई, क्योंकि वो कार्यकर्ता दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली और खराब दवाएं पहुंचने से रोक नहीं पा रही है और इसीलिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन में कई महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल हुई। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक महिला कार्यकर्ता एक अनोखे पोस्टर के साथ नजर आई। उस पोस्टर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की तस्वीर दिखाई थी और उनकी तस्वीर के ऊपर कई अलग अलग तरह की दवाइयां लगी हुई थी। इसके अलावा भी उस प्रदर्शन में कई और पोस्टर भी नजर आए। केजरीवाल सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद हर्षवर्धन भी शामिल हुए। बताया गया कि दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों से दवाओं के सैंपल लिए गए थे और उनमें करीब 10% सैंपल खराब गुणवत्ता के पाए गए थे। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। तमाम जो दवाएं हैं वो लैब टेस्ट में असफल रही हैं, सफल नहीं हुई हैं और उनको खराब गुणवत्ता का बताया गया है और उसी के विरोध में यहाँ पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बताया गया कि जो दवाइयाँ लैब टेस्ट में फेल हो गयी उनके बचे हुए स्टॉक को जब्त करने के आदेश दे दिए गए थे। बड़ी खबर आई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पीछे संदिग्ध धमाके से जुड़ी। एनआईए और एनएसजी की टीम दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में हुए इस धमाके की जांच में जुट गई। धमाका कैसे किया गया और इसका मकसद क्या था, इसका पता लगाने के लिए एक एक पहलू को खंगाला जा रहा है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध भी दिखाई दिए जिनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई, क्योंकि एक रोज पहले इजरायल के दूतावास के पीछे हुए इस संदिग्ध धमाके के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये धमाका ऐसे समय में हुआ जब इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच पिछले 2.5 महीने से भीषण जंग छिड़ी हुई है और इसी वजह से जैसे ही इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की खबर आई दिल्ली में खलबली मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एनआईए की टीम के साथ एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद धमाके वाली जगह को पीली पट्टी से घेर कर वहां से सबूत जमा करने का काम शुरू किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एनआईए और एनएसजी के जवान मशीन की मदद से जमीन पर बिखरे मेटल के टुकड़ों को इकट्ठा करते नजर आए ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमाका कैसे किया गया था।
जांच करने वाले जवान नीले और पीले रंग की पीपीई किट पहने दिखाई दिए। इस दौरान मशीन की मदद से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो उसे पॉलिथीन के छोटे पैकेट में संभाल कर रखते रहे। एम्बेसी का गेट दूसरी तरफ है, ये बैक साइड है और यहाँ पे सामने धमाके की कॉल हुई थी कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। धमाके वाली जगह से सबूत जमा करने के दौरान वहाँ एनएसजी और एनआईए के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। एक रोज पहले हुए इस संदिग्ध धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने पूरे इलाके की जांच की ताकि इजरायली दूतावास के पीछे हुए इस संदिग्ध धमाके की तह तक पहुंचा जा सके। एनआईए और एनएसजी की टीम ने न सिर्फ धमाके वाली जगह से सबूत जमा किए बल्कि एनएसजी के डॉग स्क्वाड ने भी पूरे इलाके को खंगाला और उस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि इजरायल के दूतावास के पीछे ये धमाका किसी बड़े खतरे की साजिश हो सकती है और इसीलिए इस घटना के तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनआईए और एनएसजी की टीम ने वहां मशीनों की मदद से सबूत जुटाने की कोशिश की। इसके बाद एनएसजी की डॉग स्क्वाड ने पूरे इलाके का मुआयना किया। दूतावास के आसपास वाले पूरे इलाके की पड़ताल की गई। ब्लास्ट की कॉल वाली जगह है जहां ये कहा गया कि ब्लास्ट हुआ है और देखिए वहां पर पहुंची है एनएसजी की डॉग स्क्वाड जो पूरे क्राइम सीन का मुआयना कर रही है। डॉग स्क्वाड के अलावा इजरायली दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात दिखाई दिए। मतलब धमाका कैसा हुआ, किसने किया और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने ज्यादा जानकारी नहीं दी और सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस वीडियो में दो संदिग्ध लोग नजर आए जो एक दिन पहले हुए इस धमाके के वक्त वहां मौजूद थे और इसीलिए ये शक जताया जा रहा है कि उन दोनों लोगों ने ही इजरायली दूतावास के पीछे इस संदिग्ध धमाके को अंजाम दिया होगा। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि सीसीटीवी वीडियो में दिखने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम उन दोनों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में जुटी है। हालांकि वीडियो में दिखने वाले दोनों लोग संदिग्ध हैं या नहीं इसे लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिया गया। एक से दो संदिग्ध ब्लास्ट वाली जगह पर नजर आए हैं, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और पता लगा रही है कि आखिर कौन लोग थे, क्या मकसद था। माना ये जा रहा है कि इजरायली दूतावास के पीछे इस संदिग्ध धमाके की पूरी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि दिल्ली के जिस इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां की सुरक्षा बेहद सख्त होती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इजरायल ही नहीं बल्कि तमाम देशों के दूतावास मौजूद हैं। इसी वजह से इस इलाके की सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन इसके बाद भी इजरायली दूतावास के पीछे इस धमाके को अंजाम दिया गया और सूत्रों के मुताबिक धमाके की जांच के दौरान पुलिस को घटना वाली जगह से एक चिट्ठी भी मिली। सूत्र बताते हैं कि उस चिट्ठी में गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले का जिक्र किया गया था और इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग की वजह से दिल्ली में इजरायली दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को शाम करीब 5:15 बजे इजरायली दूतावास के पीछे धमाके की आवाज सुनी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस को वहां से लिफाफे में बंद एक चिट्ठी मिली। अंग्रेजी में टाइप की गई वो चिट्ठी इसराइल के झंडे में लिपटी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि चिट्ठी में जिहादी ग्रुप सर अल्लाह रेजिस्टेंस का जिक्र किया गया था। इसके अलावा उसमें गाजा और फिलिस्तीन जैसे शब्द लिखे थे और तो और उसमें इसराइल का गाजा पट्टी पर हमले और रिवेंज यानी बदला लेने की बात लिखी हुई थी और जिहाद जारी रखने की धमकी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक उस चिट्ठी में इसराइल के गाजा पर एक्शन की आलोचना की गई थी। मतलब धमाके वाली जगह से मिली चिट्ठी में इसराइल को लेकर काफी गुस्सा जाहिर किया गया और इसीलिए इसराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी इजरायली दूतावास के पीछे संदिग्ध धमाका हो गया। दावा किया गया कि उस संदिग्ध धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई थी और वहां धुएं का गुबार भी उठा था
और इसी वजह से पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इजरायली दूतावास के पीछे धमाका किया गया। जानकारी के मुताबिक जिस जगह धमाका हुआ उससे थोड़ी दूरी पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। धमाके के बाद न्यूज 18 की टीम ने वहां तैनात एक सुरक्षा कर्मी से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि धमाका जोरदार था और धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार भी उठा था। यहां पे एक पेड़ है, हाँ। उस पेड़ के ऊपर तक धुआं जा रहा था। धुआं जा रहा था, धुआं जा रहा था, ये हमने देखा। हालांकि धमाके होने के करीब आधे घंटे बाद वहां दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंच गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम के साथ कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। पूरे इलाके को सील किया गया और फिर काफी देर तक टॉर्च की रोशनी में आसपास मौजूद पेड़ पौधों में सबूतों की तलाश की गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमाका कैसे और किसने किया था। हालांकि इस धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान जरूर खड़े कर दिए। उधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर मिले विस्फोटक को नष्ट करके सुरक्षा बल ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुबह हाईवे पर विस्फोटक होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और फिर पूरी मुस्तैदी के साथ उस विस्फोटक को डिफ्यूज किया। इससे पहले जैसे ही श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर सिलेंडर में विस्फोटक होने की खबर मिली, जवान हरकत में आ गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और थोड़ी ही देर में वहां पूरी टीम पहुंच गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान शामिल थे। सबसे पहले उस हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया और फिर विस्फोटक की जांच की गई। थोड़ी ही देर में बम डिफ्यूज करने वाली टीम को बुलाया गया और विस्फोटक को नष्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई और उसके लिए सेना के ट्रक से जरूरी उपकरण उतारे गए, जिसके बाद बम डिफ्यूज करने वाली टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ उस विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया। अगर समय रहते उस विस्फोटक को डिटेक्ट नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगर ये आईडी ट्रिगर होती, स्पॉट पे लग जाती, तो कहीं पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जिस वक्त श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर विस्फोटक होने की खबर मिली थी, उस वक्त वहां घना कोहरा छाया हुआ था और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आतंकी घने कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि सुबह होते ही सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर रखा वो विस्फोटक डिटेक्ट कर लिया और उसमें बड़ी भूमिका निभाई स्निफर डॉग ने, क्योंकि स्निफर डॉग ही किसी भी संदिग्ध वस्तु को सूंघकर उसका पता लगाते हैं। और जैसे ही पता चला कि वो संदिग्ध वस्तु कुछ और नहीं विस्फोटक है, तो बम निरोधक दस्ते की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची। उस टीम के लोगों के पास विशेष रूप से बनाए हुए जैकेट और उपकरण थे, जिसकी मदद से वो विस्फोटक के पास तक जाते हैं और फिर उस विस्फोटक को नष्ट करते हैं। किस तरीके का बीपी जैकेट होता है, ये कोई आम बीपी जैकेट नहीं है, ये सारा बुलेट प्रूफ है। बम निरोधक दस्ते की ये टीम पूरी तैयारी के साथ विस्फोटक के पास गई और उसे नष्ट कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान करीब 2 घंटे तक श्रीनगर बारामूला हाईवे पर ट्रैफिक को रोक कर रखा गया था। इधर महाराष्ट्र के पुणे से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक साथ 10 से 12 सिलेंडर फटते नजर आए। ये घटना वहां के विमान नगर इलाके में सिम्बायसिस कॉलेज से थोड़ी दूरी पर हुई। इस घटना के बाद तो पूरे इलाके में ही हड़कंप मच गया, क्योंकि एक साथ 10 से 12 सिलेंडरों के फटने की वजह से वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इस भयानक हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर आसपास रहने वाले लोग खौफ से भर गए। सिलेंडरों के फटने की वजह से वहां आग का भयानक गोला उठता नजर आया, मानो आग का वो गोला पूरे इलाके को ही निगल जाएगा। धमाका इतना भीषण था
कि उसकी वजह से आग की लपटें कई फीट आसमान में ऊपर की तरफ उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां किसी ने बम फोड़ दिया। गनीमत ये रही कि धमाके के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो उसका बच पाना नामुमकिन होता। हालांकि वहां से थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग मौजूद थे जो सिलेंडरों में धमाका होने के बाद जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि लोगों को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं रसोई गैस के सिलेंडरों में लगी आग आसपास के इलाके में ना फैल जाए। ऐसा होता तो वहां बड़ी तबाही मच सकती थी। हालांकि इस घटना में किसी को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन धमाके की इस घटना ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे के विमान नगर इलाके में हुई। बताया गया कि एक निर्माणाधीन इमारत के पास रसोई गैस के करीब 100 सिलेंडर अवैध रूप से रखे हुए थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी पाइप की मदद से सिलेंडरों में लगी आग पर पानी की बौछार करता दिखाई दिया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कितनी बड़ी संख्या में अवैध तरीके से सिलेंडरों को किसने छुपाया था। इस बीच इंडोनेशिया के बंडा आचे शहर में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बवाल मच गया। वहां म्यांमार से भागकर इंडोनेशिया आए रोहिंग्या शरणार्थियों को शहर से निकालने के लिए मोर्चा खुल गया और इसकी अगुवाई की बंडा आचे इलाके के छात्रों ने। वीडियो में दिखा कि गुस्से से तमतमाए छात्र जैसे ही रोहिंग्या शरणार्थियों के एक कैंप में घुसे वहां चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो एक से रंग के कपड़े पहने उन छात्रों ने वहां मौजूद लोगों को डराना शुरू कर दिया। किसी ने वहां बैठे रोहिंग्या मुसलमानों पर राहत सामग्री के डिब्बे फेंके तो कोई उन्हें वहां से घसीटकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता नजर आया। हालांकि इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान भी थे। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर भड़की उस भीड़ को काबू में लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो नाकाम साबित हुए, क्योंकि बंडा आचे से रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने पर उतारू भीड़ ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। बताया गया कि उस शरणार्थी कैंप में 125 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान मौजूद थे, तर महिलाएं और बच्चे थे। और जैसे ही बंडा आचे के वो छात्र उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए आक्रामक हुए, वहां मौजूद बच्चे तो फूट फूट कर रोने लगे। बच्चों को रोता देखकर वहां मौजूद महिलाओं की हिम्मत भी जवाब दे गई। इसके बाद कई महिलाएं उन छात्रों से रहम की भीख मांगती नजर आईं। इस दौरान उनमें कुछ छात्र एक बिल्डिंग के बेसमेंट में तेजी से बढ़ते दिखाई दिए और वो वहां जाकर रुके जहां कुछ रोहिंग्या मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। डर ये था कि वो उनके साथ मारपीट भी कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें किसी तरह रोकने की कोशिश की। इसके बाद वो छात्र वहीं अड़ गए और तब तक नहीं हटे जब तक उन रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से भेजने के लिए गाड़ी में नहीं चढ़ाया गया। लेकिन यह हंगामा अचानक नहीं बरपा, बल्कि इससे पहले उन छात्रों ने एक लंबा चौड़ा मार्च भी निकाला। उनकी मांग ये थी कि म्यांमार से भागे उन रोहिंग्या मुसलमानों को बंडा आचे में शरण ना दी जाए, लेकिन वहां की सरकार ने उन्हें एक बिल्डिंग में सिर छुपाने की जगह दे दी। इसके बाद वहां लोगों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कami dari mahasiswa mewakili seluruh rakyat masyarakat Aceh meminta kepada anggota DPR untuk segera mengeluarkan statement penolakan Rohingya. इस दौरान हजारों की तादाद में छात्र वहां नारेबाजी करते दिखाई दिए। उनकी मांग थी कि बंडा आचे में शरण लिए रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से बाहर निकाला जाए। इस दौरान वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ना सिर्फ रैली निकाली बल्कि पुतला जलाकर अपना विरोध भी जाहिर किया। बड़ी खबर आई चुनावी तैयारी में जुटे राहुल गांधी से जुड़ी। राहुल गांधी सुबह सुबह हरियाणा के झज्जर में एक अखाड़े में पहुंच गए। उन्होंने वहां पहलवानों से मुलाकात की।
हरियाणा कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी सुबह सुबह झज्जर के थारा गांव के वीरेंद्र अखाड़ा पहुंचे। बाद में उन्होंने पहलवानों से बातचीत की। राहुल गांधी कई घंटे तक अखाड़े में रुके और इस दौरान उन्होंने पहलवानों की प्रैक्टिस देखी, उनसे बात की और कई घंटे तक वहां रुकने के बाद वो अखाड़े से निकल गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने अखाड़े में पहलवानों को अभ्यास करते देखा। राहुल गांधी सुबह सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के वीरेंद्र आर्या अखाड़े पहुंचे और वहां कई घंटे बिताए। इस दौरान वो काले कपड़ों में नजर आए। वो जब अखाड़े के अंदर दाखिल हुए तो पहलवान प्रैक्टिस कर रहे थे। राहुल गांधी ने बहुत नजदीक से एक पहलवान को रस्सी के सहारे अभ्यास करते देखा। ये पहलवान जब रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था तो राहुल गांधी बहुत ध्यान से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रैक्टिस एरिया से बाहर निकल आए और वहां मौजूद दूसरे लोगों से वो मिले। उन राहुल को देखकर ये लोग उत्साहित दिखे। एक शख्स ने तो उन्हें तोहफे में देने के लिए हरी सब्जी तक ले आया। और जैसे ही राहुल गांधी सामने आए, इस शख्स ने उन्हें अपना तोहफा दे दिया। तोहफे में मिली मूलियां देखकर राहुल गांधी भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने तुरंत मूलियां अपने हाथों में पकड़ ली। यही नहीं, तोहफे में मूलियां देने वाले शख्स के साथ राहुल ने तस्वीर भी खिंचवाई। अखाड़े में कुछ घंटे बिताने के बाद राहुल गांधी बाहर निकल आए। उनके साथ कई पहलवान भी आए। इन पहलवानों ने राहुल गांधी के गाड़ी में बैठने से पहले उनके साथ फोटो खिंचवाई और फिर गाड़ी में बैठ गए। निकलने से पहले राहुल ने नमस्कार बोलकर उन्हें अलविदा कहा और वहां खड़े एक शख्स से हाथ मिलाया। नमस्कार। जाते जाते राहुल ने एक बार फिर हाथ जोड़कर अखाड़े में मौजूद लोगों से विदाई ली। बड़ी खबर आई जेडीयू में अंदरूनी कलह की अटकलों से जुड़ी। 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली जेडीयू की बैठक से पहले नीतीश ने पटना में एक बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में नीतीश ने अपने खास लोगों को बुलाया। सूत्रों ने खबर दी कि नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव का परिवार कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रहा है और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। खबर है कि इसी वजह से नीतीश ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटा सकते हैं। हालांकि ललन सिंह इससे इनकार कर चुके हैं, लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार लगातार पार्टी में अपनी ताकत दिखा रहे हैं और वो हो सकता है कि वो ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटा दे और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना में एक बैठक बुलाई। सूत्रों ने बताया कि इसी बैठक में नीतीश के करीबी मंत्री और विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल हुए। और जैसे ही मीडिया को इस बैठक की खबर मिली, पटना में सीएम आवास के बाहर हलचल तेज हो गई। सीएम आवास से निकलने वाली हर गाड़ी पर नजरें टिक गई। बारी बारी से कई नेताओं की गाड़ियां निकली, लेकिन उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया। इस बीच जेडीयू की एमएलसी रीना यादव की गाड़ी रुकी और मीडिया ने शीशा नीचे होते ही उनसे जेडीयू में फूट की खबरों से जुड़े सवाल पूछ डाले, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। नीतीश के करीबी कहे जाने वाले और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी को तो गाड़ी से उतरकर मीडिया वालों से बात करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी ललन सिंह के मामले से जुड़े सवाल पर गोलमाल जवाब दिया। अंत में जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया, हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में ये संकेत दे दिया कि जेडीयू के अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। श्रवण कुमार ने कुछ सवालों का जवाब मजाक में भी टाल दिया। उनकी बातें सुनकर आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगे। जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जदयू में हमेशा बड़ा होता है कि सब छोटा होता है। पटना में सीएम आवास के अंदर हुई बैठक की कुछ तस्वीरें भी आईं। इस तस्वीर में वो नेता दिखे जो नीतीश के खास माने जाते हैं। सूत्रों ने बताया कि नीतीश पर सीएम पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है और ललन सिंह की आरजेडी से दोस्ती बढ़ रही है। पटना में सीएम आवास के अंदर हुई इस बैठक का कनेक्शन इसी मामले से जोड़ा गया। खबर है कि नीतीश इस बैठक के जरिए पार्टी में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया, लेकिन आवास खाली करने से पहले उन्होंने वहां पूजा की। शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल तक इसी घर में रहे, लेकिन अब मोहन यादव राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया।
लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीएम आवास में बने घर में पूजा की। उन्होंने सीएम आवास में मंत्रोच्चार के साथ पूजा की और कुछ वक्त तक भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। पूजा के वक्त शिवराज अकेले ही नजर आए। पूजा करने के बाद शिवराज गौशाला गए। इस बार उनकी पत्नी साधना सिंह भी साथ थी। शिवराज जब गायों के दर्शन के लिए गए तो वहां मौजूद लोगों ने उनके पैर छुए। इसके बाद शिवराज गायों को देखने लगे। वो बड़े ध्यान से कुछ देर तक उन्हें देखते रहे और फिर पलटे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने पीछे मुड़कर गायों को देखा, मानो वो उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। पत्रकारों के कहने पर उन्होंने वहां तस्वीरें भी खिंचवाई और फिर मुख्यमंत्री आवास से निकल गए, लेकिन जाने से पहले वो वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से मिलना नहीं भूले। मंदिर में पूजा और गाय के दर्शन के बाद वो सीधा सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचे और बारी बारी से हर सुरक्षा कर्मी से हाथ मिलाया। शिवराज जब सुरक्षा कर्मियों से मिले तो आगे खड़े सुरक्षा कर्मियों ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन शिवराज ने केवल उनसे ही नहीं बल्कि पीछे खड़े सुरक्षा कर्मियों से भी हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। इन पुलिस वालों के बीच काला कोट पहने एक महिला खड़ी थी। उसने शिवराज को देखते ही उन्हें नमस्ते किया। शिवराज ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और फिर महिला ने हाथ में पकड़ा कागज शिवराज को दे दिया, जिसे शिवराज ने संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद शिवराज आगे बढ़े और बाकी सुरक्षा कर्मियों से मिले और फिर शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने नए आवास में चले गए। शिवराज सीएम आवास में कई सालों तक रहे, इसलिए जब वो घर से निकले तो मीडिया ने उनसे भावुक करने वाले सवाल पूछे और शिवराज ने भावुक होते हुए उनका जवाब दिया। एक सवाल का जवाब देते हुए तो उन्होंने हाथ भी जोड़ दिए और मध्य प्रदेश के लिए काम करते रहने का भरोसा दिया। मामा और भैया परमानेंट है तो लगातार उनकी सेवा के काम करते रहे। शिवराज भावुक होते हुए अपनी बात कह ही रहे थे कि पीछे बैठी उनकी पत्नी भी बोल पड़ी, कोई आंखें नरम नहीं हो रही, खुशी से जा रहे। सीएम आवास से निकलने के बाद शिवराज सीधे अपने नए आवास पहुंचे। वहां अंदर जाने से पहले साधना सिंह ने शिवराज का स्वागत किया, उनके माथे पर टीका लगाया और फिर उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर नए घर में उनका स्वागत किया। ये देखकर शिवराज खिलखिलाकर हंस पड़े। गुलदस्ता देने के बाद साधना सिंह ने शिवराज की आरती उतारी। शिवराज ने इसका जवाब हाथ जोड़ कर दिया और अपने नए बंगले B874 में शिफ्ट हो गए। इधर 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर के अंदर की पहली झलक दुनिया ने देखी। यह अनुष्ठान 15 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करीब 8,000 मेहमान आएंगे। और इससे पहले पहली बार ऐसा मौका आया जब राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दुनिया ने देखी। ये तस्वीरें राम मंदिर में हो रहे बेजोड़ काम और कलाकृति की जीती जागती मिसाल हैं। ये तस्वीरें राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर यानी गर्भगृह की हैं। इन्हें अंदर से दुनिया ने पहली बार देखा और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया कि राम मंदिर कितना भव्य, कितना शानदार और कितना अलौकिक होगा, क्योंकि मंदिर के एक एक हिस्से पर बारीकी से काम किया गया। गर्भगृह के गुंबद को देखकर तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इस पर बेहतरीन नक्काशी की गई और अलग अलग देवी देवताओं की कलाकृति बनाई गई। इस वजह से मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए और दावा किया गया कि ये कलाकृतियां सैकड़ों सालों तक खराब नहीं होंगी। ये भी दावा किया गया कि भव्य राम मंदिर के बनने के बाद करीब 1,000 साल तक इसकी मरम्मत नहीं करानी होगी। यानी ये मंदिर खूबसूरत और मजबूत दोनों है। राम मंदिर का निर्माण खास नागर शैली में किया जा रहा है। ये शैली उत्तर भारत के मंदिरों में खास तौर पर देखी जाती है और राम मंदिर का निर्माण भी इसी शैली के तहत हो रहा है। यानी राम मंदिर चौकोर आकार में बन रहा है और जैसा कि इस शैली की खासियत है, मंदिर का गर्भगृह सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर है। ये करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है और हजारों कारीगर इसे फाइनल टच देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर वहाँ दिखेगा। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया,
राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है, लेकिन मंदिर के अंदर की ये अद्भुत तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मंदिर भव्य होगा, क्योंकि मंदिर के हर कोने हर दीवार पर बेहतरीन नक्काशी की गई। मंदिर निर्माण में जुटे कारीगर वहां के खंभों और दीवारों पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे हैं, और इन मूर्तियों में शिव, दुर्गा, गणेश और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। यानी राम मंदिर में रामलला के ही नहीं दूसरे भी देवी देवताओं के दर्शन होंगे, क्योंकि राम मंदिर के गर्भगृह की जो तस्वीरें आई उनमें दुर्गा की प्रतिमा नजर आई, दीवार पर गणेश प्रतिमा भी दिखी और शिव की तो अलग अलग मुद्राएं नजर आई। किसी मूर्ति में शिव नंदी पर बैठे दिखे तो किसी मूर्ति में बिना नंदी के दिखे, और किसी मूर्ति में नृत्य की मुद्रा में नजर आए। इन दीवारों पर कृष्ण प्रतिमा भी बनाई गई, यानी राम मंदिर में राम भी होंगे और कृष्ण भी। दीवारों के अलावा गुंबद और खंभों पर भी देवी देवताओं की आकृति बनाई गई, यानी राम मंदिर में श्रद्धालुओं को देव दर्शन होगा, और इस देव दर्शन की पहली झलक मिल भी गई, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका आया जब 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें आईं, और इन तस्वीरों को देखकर बेजोड़ नक्काशी और स्थापत्य कला की झलक दिखी। बड़ी खबर आई गाजा में जारी इजराइल के ऑपरेशन से जुड़ी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने एक ऐसे आदमी को मार गिराया जो हमास को महंगे और आधुनिक हथियार मुहैया करा रहा था। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास तक जो अवैध हथियार पहुंचाए जा रहे थे वो इसी की प्लानिंग से गाजा तक पहुंच रहे थे। मतलब सीधे शब्दों में इजराइल की सेना ने हमास के हथियारों के डीलर को मौत के घाट उतार दिया, और इसे हमले के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल शुरुआत से ही ये आरोप लगाता आया है कि हमास तक आधुनिक हथियार पहुंचने के का काम उसके दुश्मन देश कर रहे हैं, और उसकी सेना ने दावा किया कि गाजा में जारी ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने हमास और इजराइल के दुश्मन देशों के बीच की कड़ी यानी उस हथियार डीलर का काम तमाम कर दिया। और अपने उस दावे की पुष्टि के लिए इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक कार पर हुए हमले को दिखाया गया। इजराइल की सेना के हवाई ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक गाड़ी नजर आई, उस गाड़ी के साथ कुछ लोग पैदल चलते भी दिखे। दावा किया गया कि उसी कार में हमास तक हथियारों की सप्लाई करने वाला हथियार तस्कर बैठा हुआ था। इजराइल की सेना के जवानों ने काफी देर तक उस गाड़ी पर निशाना लगाए रखा, और जैसे ही वो गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी फिर टारगेट लॉक कर उस गाड़ी पर निशाना लगा दिया, और फिर वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें कार के परखचे उड़ गए और उस इलाके में धुएं का गुबार छा गया। इजराइल की सेना के मुताबिक वो हवाई हमला हथियार तस्कर को निशाना बनाकर ही किया गया था, और इजराइल की सेना ने हवाई हमले में हथियार तस्कर की मौत का दावा भी किया, और माना जा रहा है कि हथियार डीलर हसन अतराश की मौत से इस जंग में हमास की चुनौती और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हथियार नहीं मिले तो हमास के लड़ाके इजराइल की सेना के सामने सरेंडर कर सकते हैं, और हथियार नहीं मिलने पर हमास ये जंग हार भी सकता है, क्योंकि इजराइल के दावों के मुताबिक हमास अब तक इस जंग में हसन से मिलने वाले हथियारों से ही इजराइल की सेना को चुनौती देता आया है, जिसे इजराइल की सेना ने दक्षिण गाजा के रफा में एक हवाई हमले में मार गिराने का दावा किया। वहीं इजराइल की सेना के दावों के मुताबिक हसन अतराश उस इलाके में हथियारों का बड़ा तस्कर था, और वो गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी हमास के लड़ाकों तक हथियारों की खेप पहुंचाता था, और उसकी हर गतिविधि पर इजराइल की सेना कई दिनों से नजर रखी हुई थी, और उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही शुक्रवार को हुए हवाई हमलों में उसे ढेर कर दिया गया। और गाजा में इसी कार्रवाई के दौरान इजराइल की यहालोम ब्रिगेड ने हमास का एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर भी खोज निकाला। इजराइल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल के मुताबिक हमास का यह हेडक्वार्टर जमीन के कई मीटर नीचे सुरंग के अंदर मौजूद था, और इजराइल ने हमास के इस अड्डे का जो वीडियो जारी किया उसमें इजराइल के सैनिक
ठीक उस जगह खड़े दिखाई दिए जहां से जमीन के नीचे बने हमास के अड्डे का रास्ता जाता है, और तस्वीरों में वो रास्ता टीन शेड से ढका हुआ नजर आया। जिसे हटाने के बाद इजराइल के सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें बहुत सारे काले झंडे और मोर्टार मिले, और इजराइल के मुताबिक हमास के लड़ाके इन्हीं मोर्टार के जरिए इजराइल के सैनिकों पर हमले कर रहे थे। इजराइल की यहालोम ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए उत्तरी गाजा की एक इमारत में छापेमारी की, और वहां उन्हें हमास का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर मिला। लेकिन उस सुरंग तक पहुंचने से पहले इजराइल की सेना जब उस इमारत में घुसी तो वहां कई बड़े बड़े पत्थर और टूटी कुर्सियां पड़ी नजर आईं। और उस इमारत में आगे बढ़ने पर इजराइल की सेना को जमीन के नीचे बसे हमास के उस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास को वो हेडक्वार्टर्स दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसका पहला हिस्सा था हमास की सुरंगों का बहुत बड़ा जाल। हमास की वो सुरंग इतनी लंबी थी कि वहां तक पहुंचने के लिए इजराइल के सैनिकों को घंटों लग गए। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास का वो अड्डा जमीन के कई मीटर अंदर बसा था, और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें इजराइल का एक सैनिक रस्सी के सहारे उस सुरंग में बनी लोहे की सीढ़ियों से उतरता नजर आया, और काफी देर तक उस सुरंग में चलने के बाद वो उस अड्डे के दूसरे हिस्से में पहुंच गया, और वहां उसे एक बड़ा कमरा मिला। इस दौरान वहां घना अंधेरा छाया हुआ था, और इजराइल का वो सैनिक टॉर्च के सहारे उस सुरंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, और जब वो सैनिक उस कमरे में घुसा तो उसे वहां बहुत सारा सामान बिखरा नजर आया। लेकिन हमास के उस अड्डे में सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि हमास ने जमीन के नीचे ही अपना एक अलग दुनिया बसा रखी थी, और इजराइल के मुताबिक हमास के लड़ाके उसी अड्डे में छिपकर इजराइल के सैनिकों पर हमले की प्लानिंग करते थे। क्योंकि उस अड्डे का जो वीडियो सामने आया उसमें कई कमरे नजर आए, और इजराइल के उस सैनिक ने जब उन कमरों की तलाशी ली तो उनमें काफी सारा सामान पड़ा दिखा, और जब वो सैनिक आगे बढ़ा तो वहां एक वॉशरूम भी मिला, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमास के लड़ाके कई दिनों तक इन्हीं सुरंगों में छिपकर रहते थे और सही मौका देखकर इजराइल की सेना पर टूट पड़ते थे। इजराइल की सेना भी कई बार ये आरोप भी लगा चुकी है कि हमास के लड़ाके बंधकों को छिपाने के लिए अपनी सुरंगों का ही इस्तेमाल करते आए हैं, और ये तस्वीरें उस बात का ही सबूत हैं, क्योंकि तस्वीरों में हमास के उस हेडक्वार्टर में एक के बाद एक कई कमरे दिखे। उस सुरंग में एक अलग दरवाजा भी दिखाई दिया जो उस सुरंग के दूसरे रास्तों की तरफ ले जाता है, और जब इजराइल का वो सैनिक उस सुरंग में आगे बढ़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस सुरंग का वो रास्ता एक ऐसे कमरे की तरफ ले गया जहां हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा था, और उस कमरे में कई तरह की मशीन रखी नजर आई। हमास के उस मुख्यालय का वो सबसे बड़ा कमरा था, और उसमें कई मशीनों के अलावा एक वाटर कूलर, एक एयर टैंक और एक जनरेटर भी रखा दिखाई दिया। उस कमरे में कई पोस्टर और कई बड़े बड़े कंटेनर भी रखे हुए थे। साथ ही वहां रखी एक टेबल पर भारी मात्रा में बंदूक की गोलियां पड़ी दिखी, और इजराइल की सेना का दावा है कि ये गोलियां इस बात का सबूत है कि हमास के लड़ाके उस अड्डे में छिप कर बैठे थे और इजराइल की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार कर रहे थे। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास का ये अड्डा उसके सबसे बड़े अड्डों में एक है, और इसीलिए जमीन के कई मीटर नीचे बने इस अड्डे तक पहुंचने के लिए हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया कि कोई उस तक आसानी से ना पहुंच पाए। और इस सुरंग के साथ ही इजराइल ने हमास की एक और सुरंग का पता लगा लिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास की सुरंग से उन्हें तीन बंधकों के शव मिले, और इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने ही उन बंधकों को मार गिराया। इजराइल की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें इजराइल की फौज हमास की उस सुरंग के अंदर जाने वाले रास्ते के पास खड़ी नजर आई, और जब इजराइल की फौज उस सुरंग के अंदर गई तो वहां एक लंबा और सकड़ा रास्ता दिखाई दिया, और इजराइल की सेना के मुताबिक
उस सुरंग से ही उन तीन बंधकों के शव बरामद किए गए थे और जब उन शवों को सुरंग से बाहर निकाला गया तो सभी सैनिकों ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ सैनिक इजराइल का झंडा लेकर खड़े नजर आए। इससे दो हफ्तों पहले भी इजराइल की सेना ने हमास की सुरंगों से दो बंधकों के शव मिलने का दावा किया था। उधर इजराइल की सेना ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में उसके जवान हमास के लड़ाकों को खदेड़ते हुए समुद्री सीमा की तरफ बढ़ चुके हैं। इजराइल ने अपने ऑपरेशन में हमास के सैकड़ों लड़ाकों को मारने का दावा किया और अपने दावों की पुष्टि के लिए इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक गाजा की गलियों में फायरिंग करते नजर आए। जो वीडियो सामने आया उसमें इजराइल के सैनिक फायरिंग करते दिखे और वहां कई इमारतें खंडहर में तब्दील नजर आईं। इजराइल की सेना के मुताबिक ये वीडियो गाजा शहर के शिजैया इलाके का है। इजराइल के दावों के मुताबिक उसके सैनिक उत्तरी गाजा के अल शती कैंप और रिमल इलाके में दाखिल हो चुके हैं जो कि समुद्री सीमा से बिल्कुल करीब है। इजराइल के मुताबिक उन इलाकों पर हमास के लड़ाकों का कब्जा हुआ करता था लेकिन अब या तो वो भाग चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा में इन दिनों आमने सामने की जंग चल रही है और कई इलाकों पर इजराइल की सेना कब्जा करने का दावा भी कर चुकी है। उधर दिल्ली के स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री आवास की सैर की। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री आवास में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये बच्चे उसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री आवास घूमने के बारे में पूछा और जब उसके जवाब में बच्चों ने ना कहा तो प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास घूमने के लिए भेज दिया। और इसके बाद प्रधानमंत्री ऑफिस की टीम उन बच्चों को प्रधानमंत्री आवास घुमाने ले गई। इस दौरान बच्चे मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक नेम प्लेट लगी दिखी जिस पर प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था और प्रधानमंत्री आवास में घूमते ही सबसे पहले वहां एक भगवान की मूर्ति रखी नजर आई। उन बच्चों को सबसे पहले प्रधानमंत्री के ऑफिस ले जाया गया। उस ऑफिस में प्रधानमंत्री की एक बड़ी टेबल और कुर्सी रखी दिखी, साथ ही वहां कई और कुर्सियां भी रखी नजर आई। इस दौरान पीएमओ की टीम ने उन बच्चों से एक सवाल पूछा और जब उनमें एक छात्रा ने उस सवाल का जवाब दिया तो सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। प्रधानमंत्री ऑफिस में कई अलग अलग तरह की पेंटिंग भी लगी दिखी और उन पेंटिंग को देखकर वो बच्चे काफी खुश नजर आए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में घूमना उन बच्चों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उस वीडियो में वो बच्चे प्रधानमंत्री आवास का कोना कोना घूमते दिखे और प्रधानमंत्री आवास का एक हिस्सा घूमने के बाद उन्हें दूसरे हिस्से में ले जाया गया। उस कार्यालय के बाहर एक बड़ी नटराज की मूर्ति रखी दिखाई दी और जब वो बच्चे उस कार्यालय में घुसे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस कार्यालय की छत पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था और सभी बच्चे घूम घूम कर उसे देखने लगे। पीएमओ की टीम ने उन बच्चों को बताया कि उस कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी जरूरी बैठकें करते हैं। वो बच्चे इस कार्यालय में रखी हर एक चीज के बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। उस कार्यालय का कोना कोना देखने के बाद जब बच्चे आगे बढ़े तो उन्हें कॉरिडोर में बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी दिखाई दी और क्रिसमस के मौके पर बच्चों को प्रधानमंत्री आवास घूमने का जो तोहफा मिला उसे पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। पीएमओ की टीम ने उन बच्चों को प्रधानमंत्री आवास का हर एक कोना घुमाया और आखिर में उन बच्चों को प्रधानमंत्री आवास में बने कैबिनेट रूम में घुमाया गया। उस कमरे में सभी कैबिनेट मंत्रियों की कुर्सियां लगी दिखी और हर कुर्सी के सामने एक कैबिनेट मंत्री का नाम लिखा हुआ था और उसे देखकर वो बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। इसके बाद जब बच्चे प्रधानमंत्री आवास घूमकर
बाहर आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस मौके के लिए धन्यवाद दिया। I would like to thank you, especially the Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ऐसा लगता है कि मेरा कार्यालय परीक्षा में पास हो गया, क्योंकि उन बच्चों को प्रधानमंत्री आवास घूमकर काफी अच्छा लगा। इधर भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। इसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊंचाई के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए और इस दौरान ऑयल एंड गैस और पावर को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, बैंक और मेटल में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 701 अंक चढ़कर 72,038 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 213 अंकों की उछाल के साथ 21,654 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो।